तो उसने क्वेश्चन पूछा फॉर विच वैल्यूज ऑफ ए एंड बी, ए और बी आपको निकालना है ना, फाइंड करना है। द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस बच्चों, है ना, आराम से भाई, रुक जाओ तसल्ली से, आराम से मुझे ये बताओ कि आप फर्स्ट इक्वेशन ठीक लिखी हुई है, मतलब सेकंड के कंपैरिजन में, अगर हम इसको ब्रैकेट में कर लें, अब बताओ ठीक चल रहा है? यस सर, सही लिखा हुआ है। हाँ सब सही है, कोई दिक्कत, हाँ कोई दिक्कत नहीं। अब देखो जरा, पता है क्या, अब कंफ्यूज हो जाएगा बेचारा भाई, देखो स्मॉल ए, अच्छा ठीक है चलो चलो तुम उसी से कर लो, कोई दिक्कत नहीं। ए वन की वैल्यू बताओ मुझे, टू, टू सर, टू ए टू की वैल्यू बताओ आराम ए से, माइनस हाँ बी ठीक, बी वन की वैल्यू बताओ देख के, सर, थ्री थ्री, और बी टू की बताओ ए प्लस बी, ए प्लस बी ठीक आराम से एकदम। अब देखो खास बात है, इसका भी कॉन्स्टेंट राइट हैंड साइड है और इसका भी कॉन्स्टेंट कहाँ है, राइट हैंड साइड है, और ऐसी कंडीशन में मैंने क्या बोला था कि आप अगर दोनों सी राइट हैंड साइड हो तो आप ले सकते हो ना, याद है ना? यस तो सर, फर्स्ट वाले का क्योंकि सी हो सर गया अगर हम सेवन, उनको लेफ्ट साइड को ट्रांसपोज भी करेंगे तो माइनस साइन कैंसिल हो जाएगा। हाँ, और इसको ले लोगे तो थ्री ए प्लस बी माइनस टू, और भैया ब्रैकेट में रख लो तो ज्यादा भला होगा आपका, ठीक। अब आपको उसने कंडीशन क्या दी है बच्चों, यहाँ चेक कर लीजिए, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस, ठीक है ना, और इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस का जो केस होता है वो क्या होता है आपका, ए वन बाय ए टू इज इक्वल्स टू, इज इक्वल टू बी वन बाय बी टू इज इक्वल टू सी वन बाय सी टू। हाँ तो आराम से बिल्कुल करिए, ए वन बाय ए टू, यानी कि बच्चों क्या हो जाएगा, ए वन बाय ए टू, ए वन की जगह टू और ए टू की जगह ए माइनस बी, इज इक्वल टू बी वन बाय बी टू, बी वन की जगह थ्री और बी टू की जगह क्या आ जाएगा, ए प्लस बी, ठीक, सी वन बाय सी टू, सी वन की जगह सेवन और सी टू की जगह थ्री ए प्लस बी माइनस टू, सही है। यस सर, अब तो आपको याद ही होगा, अब आपको ए यस और बी सर, अगर ये दो तो नहीं वैल्यूज हमने निकालनी है तो पढ़े। डबल इक्वलिटी सॉल्व करनी होगी, एक बार इसको पकड़ोगे तो एक इक्वेशन बनेगी, बोलो यस और नो, बोलो बोलो यस बोलो, सर, और यस एक सर, बार, हाँ एक बार इसको पकड़ोगे तो एक इक्वेशन यहां से बनेगी, देखा क्या डबल गेम खेला आपके साथ उसने। तो देखो जरा एक बार इन दोनों को इक्वेट करो येलो कलर से, टू अपॉन ए प्लस बी इज इक्वल्स टू थ्री अपॉन, सॉरी टू अपॉन ए माइनस बी है ना भाई, टू अपॉन ए माइनस बी इज इक्वल्स टू थ्री अपॉन ए प्लस बी, और यहां से बच्चों लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बनाइए, ए और बी में बनेगा, क्रॉस कराओ तो टू इंटू ए प्लस बी इज इक्वल्स टू थ्री इंटू ए माइनस बी, अब आप लोग का आता है टू इंटू ए टू ए प्लस टू इंटू बी कितना हो जाएगा आपका, टू बी इज इक्वल्स टू थ्री इंटू ए थ्री ए और माइनस थ्री इंटू बी थ्री बी, यहां से होता है तो यहां से टू ए, और अब तो आप कर लोगे ना, है ना, इसको इधर ले आओ तो क्या हो जाएगा, टू ए माइनस थ्री ए, टू ए माइनस थ्री ए माइनस ए हो जाएगा, और इसको इधर लेके आओगे तो टू बी और प्लस थ्री बी फाइव बी यहां से हो जाएगा, इज इक्वल्स टू जीरो बचेगा, ये बन गई आपकी फर्स्ट इक्वेशन। बताइए कोई डाउट है, नो बोलिए। सर, अब ये जो ब्लू कलर से आपको दिखाया है, ये जो सर्कल किया है ऐसे करके, इसको इक्वेट करो, क्योंकि दिस अपॉन दिस भी इसके इक्वल है, सो थ्री अपॉन ए प्लस बी, थ्री अपॉन ए प्लस बी इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, चेक कर लो, सेवन अपॉन थ्री ए प्लस बी माइनस टू, है ना, सेवन अपॉन थ्री ए प्लस बी माइनस टू, ठीक, तो यहां से हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, थ्री इंटू थ्री ए प्लस बी माइनस टू इज इक्वल्स टू सेवन इंटू ए प्लस बी, ठीक, यहां से थ्री थ्री जा नाइन ए प्लस थ्री इंटू बी थ्री बी माइनस सिक्स इज इक्वल टू सेवन इंटू ए सेवन ए प्लस सेवन इंटू बी सेवन बी, ठीक, यहां से ये इधर आएगा नाइन ए माइनस सेवन ए टू ए, और ये बी वाला आएगा थ्री माइनस सेवन माइनस फोर बी और इज इक्वल्स टू में माइनस सिक्स राइट में जाएगा तो सिक्स हो जाएगा, ये बन गई आपकी सेकेंड इक्वेशन यहां से, ठीक। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या थी आपके पास, यहां पर माइनस ए प्लस फाइव बी जीरो, माइनस
ए और प्लस 5b इज इक्वल टू 0, ये फर्स्ट थी और ये सेकंड है। अब बताओ सॉल्व कर लोगे क्या? करें फर्स्ट वाले को, सर सर सब्स्टिट्यूट से कर सकते हैं, और सब्स्टिट्यूशन से। एक काम और कर सकते हो, इसको रिड्यूस कर लो ना, टू कॉमन ले लो इधर से, तो क्या हो जाएगा, ए प्लस सर ए माइनस 2b। और सिक्स को उधर डिवाइड कर दो, सिक्स में उधर टू से डिवाइड कर दो, ए माइनस 2b इज इक्वल टू 6/2, 2 1 2 3 जा, सो ए माइनस 2b इज इक्वल टू 3, ए माइनस 2b इज इक्वल टू 3। ठीक, ये आपकी फर्स्ट है और ये आपकी सेकंड है, ऐड कर दीजिए। इसको ऐड कर दो तो ये कट जाएगा, 5 - 2 कितना होता है 3, बी इज इक्वल टू 0 + 3, 3 3 से उधर डिवाइड, सो बी की वैल्यू 1 यहां से आ जाएगी। ठीक, और बी की वैल्यू लाके यहां रख दीजिए, सो ए माइनस 2 इंटू बी की जगह 1 इज इक्वल टू 3, तो यहां से ए माइनस 2 इज इक्वल टू 3, सो माइनस 2 उधर जाएगा, सो ए की वैल्यू 3 + 2 5 हो जाएगी। चेक कर लो, सिर्फ फर्स्ट वाले को थर्ड वाले से कंपेयर नहीं कर सकते सर, जैसे हमने सेकंड और थर्ड को कंपेयर करा, अगर मैं इसको फर्स्ट वाले के साथ कंपेयर करूं 2/a - b को, इक्वल्स टू 7/3a + b - 2। एक मिनट फिर से बोलना जरा। हाँ क्या सर, जैसे हमने a1/a2 = c1/c2 करके जो बनाया है, उसमें अगर हम फर्स्ट वाले को थर्ड वाले से कंपेयर नहीं कर सकते। परफेक्ट, कर सकते हो, कर सकते हो। देखो कैसे, फर्स्ट को थर्ड वाले से कर दो, फिर सेकंड वाले को भी थर्ड वाले से कर दो, मतलब थर्ड वाले को कॉमन रखो, फर्स्ट को थर्ड से कर दो और सेकंड को थर्ड से कर दो, तब भी बन जाएगा। मैं बीच वाले को कॉमन रखता हूँ, तो मैं फर्स्ट वाले को सेकंड से कर लेता हूँ और थर्ड वाले को भी सेकंड से कर लेता हूँ। ठीक,